यस प्लीज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुण ओबेरॉय। हेलो इंटरनेट, आज एक हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफी हेलमैन की एक्सचेंज। अब ये डिफी हेलमैन की एक्सचेंज कहाँ पे यूज होता है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये एल्गोरिथम क्या करता है, इसका पूरा फंक्शनैलिटी को हम समझेंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा एक सिंपल एनालॉजी के साथ कि डिफी हेलमैन की एक्सचेंज, अभी की एक्सचेंज कहाँ यूज होता है। तो आपको ये समझना है, तो मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बोला है कि सिक्योरिटी के अंदर थ्री इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटीग्रिटी और तीसरा है ऑथेंटिकेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CIA भी बोलते हैं। तो ये तीन पिलर्स है सिक्योरिटी के अंदर। टास्क फोर्स उनको एनालॉजी समझने की कोशिश करो। मेरा नाम अरुण है और मैं अपने गर्लफ्रेंड सोनिया को मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ वो इंटरनेट से भेज रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना मैसेज भेजा है सोनिया को वाया पब्लिक नेटवर्क। अब ये पब्लिक नेटवर्क में तो मैं अकेला नहीं हूँ जो बैठा हुआ और यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिकेशन कहाँ पे काम आता है, दूसरा ध्यान से देखिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है मैसेज को एनक्रिप्ट करना, दैट इज अगर मैं अपने गर्लफ्रेंड को आई लव यू मैसेज भेजता हूँ तो पब्लिक नेटवर्क पर बैठे जितने लोग हैं उनको ये मैसेज रीडेबल फॉर्मेट में नहीं जाना चाहिए, उनको ये मैसेज एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाना चाहिए जिसे पढ़कर उनको कुछ समझ में आए। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं अपने मैसेज के कॉन्फिडेंशियलिटी को रख रहा हूँ, मैसेज को एनक्रिप्ट कर रहा हूँ। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेरा अचीव होता है वाया एनक्रिप्शन, ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें ये होता है कि इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब है बीच में मैंने मैसेज भेजा, बीच में पब्लिक नेटवर्क में सोनिया के पिताजी है, उन्होंने मैसेज को पकड़ लिया, उन्होंने मैसेज को कैप्चर कर लिया। अब वो मैसेज को या पैकेट को एनालाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, आई लव यू जो मैसेज मैंने भेजा है उसमें से लव हटा देते हैं और आई हेट ये मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। तो सोनिया के पास तो मैसेज मेरा क्या पहुंचा, आई हेट यू, हो गया सत्यानाश मेरा लव स्टोरी का। तो सेकेंड पिलर जो सिक्योरिटी का होता है वो है इंटीग्रिटी, दैट इज मैसेज जो मैं भेज रहा हूँ ना उसको बीच में कोई भी चेंज ना कर सके। अब मैसेज में भेज रहा हूँ उसको कोई चेंज ना कर सके, इसका सिंपल एग्जाम्पल है मैं उसका उस मैसेज का मैं एक हैश वैल्यू जनरेट करता हूँ। अब हैशिंग के लिए दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है MD5 और SHA। अब आजकल के टाइम में तो बहुत सॉल्टेड हैशिंग यूज होता है, तो हैशिंग हो गया इंटीग्रिटी का बात। ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिसिटी का ये मतलब है कि मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ ना सोनिया को, वो सोनिया को पहले ये श्योरिटी और कंफर्मेशन होना चाहिए कि अरुण ही भेज रहा है उसको मैसेज, अरुण की जगह पे कोई फेक आइडेंटिटी या फेक पर्सन वो मैसेज नहीं भेज रहा है। तो इसलिए मैं अपना ऑथेंटिकेशन दूंगा, सोनिया भी वहां से अपना ऑथेंटिकेशन देगी, और जब हम लोगों को एकदम पक्का श्योर है कि नहीं सामने सोनिया के पास ही मैसेज जा रहा है और यहाँ पे रिसीव अरुण ही कर रहा है, तो अपने आप को ऑथेंटिकेट करो कि तुम अरुण ही हो ना, ठीक है। तो ये हो गए मेरे तीन पिलर्स सिक्योरिटी। अब डिफी हेलमैन की एक्सचेंज कहाँ पे आता है, तो डिफी हेलमैन की एक्सचेंज जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी और एनक्रिप्शन के अंदर आता है। एनक्रिप्शन के अंदर ये कैसे आता है वो देखिए। अभी अब मैंने लोगों को क्या बोला कि मैंने मैसेज भेजना है सोनिया को आई लव यू, वो मैसेज मेरा ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाना चाहिए, उसको मैं एनक्रिप्ट करूंगा ताकि बाकी लोगों को समझ में आए। अब इस एनक्रिप्ट करने के लिए मुझे की जरूरत है, ठीक है। अब मैंने मैसेज फॉर एग्जाम्पल लव भेजे सोनिया को, अब लव के साथ मैंने अपने की जो है वो 2 भेजा है, 2, ठीक है। वहां पे सोनिया के पास ये मैसेज चला गया और लव भी और उसके साथ वो की भी चला गया 2, तो वो उसको डिसाइफर करेगी, ठीक है। लेकिन मैं ये मैसेज और ये की मैं जब पब्लिक नेटवर्क में भेजता हूँ तो ये तो सोनिया के पापा को भी मालूम पड़ जाएगा कि, तो वो क्यों नहीं डिसाइफर कर रही है, सोनिया डिसाइफर कर रहा है।
पब्लिक की में ये प्रॉब्लम होता है, जब मैं भेज रहा हूँ ना पब्लिक नेटवर्क में तो मेरा की तो सबको पता है, तो जब वो मेरे मैसेज को कैप्चर करेंगे ना तो वो की लगा देंगे और वो मैसेज को डिसाइफर करेंगे। तो डिफी हेलमैन, दो लोग हैं डिफी और हेलमैन ने मिलकर बहुत ही शानदार एल्गोरिदम लिखा है क्रिप्टोग्राफी के अंदर की एक्सचेंजिंग के लिए, और ये की एक्सचेंज जो है सिमेट्रिक की एक्सचेंज के अंदर आता है। तो उनके एल्गोरिदम को तो आपको यही समझ में आया कि डिफी हेलमैन की एक्सचेंज जो है मेरा एनक्रिप्शन के अंदर आता है, मुझे अगर एनक्रिप्शन करना है तो मुझे की की जरूरत है। अब की मेरा अगर पब्लिक की है और सबको पता चल गया तो फिर मेरे मैसेज का कोई सिक्योरिटी एस्पेक्ट रहा ही नहीं, क्योंकि वो की लेकर कोई भी वो मैसेज को डिसाइफर करेगा। तो कोई भी हमारे मैसेज को या की को हम कैसे सीक्रेट बनाए, वो एल्गोरिदम है डिफी हेलमैन की एक्सचेंज का, ठीक है। अब इसको मैं आपको ये सिंपल डायग्राम के साथ बताता हूँ, एलिस और बॉब, ये मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ डायग्राम। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए ये की एक्सचेंज को, ये भी समझ में आएगा आपको कि की ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ एलिस या सिर्फ अरुण और सोनिया को पता चले, बीच में किसी को जो उसका सीक्रेट की है वो पता नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में है एलिस, राइट हैंड साइड में है बॉब। पहला स्टेप डिफी हेलमैन की एक्सचेंज के अंदर ये बोलते हैं, ये एलिस का सिस्टम है, ये बॉब का सिस्टम है। तो डिफी हेलमैन ने ये बोला है कि एलिस अपने तरफ से एक कलर चूज करेगा, फॉर एग्जाम्पल तो एलिस ने अपने लिए येल्लो चूज किया और ये येल्लो अब वो बॉब को भेज रहा है, ठीक है। बीच में एलिस के पिताजी भी है, पिताजी को भी पता चला है कि एलिस ने बॉब को कौन सा कलर भेजा है येल्लो। ध्यान से देखिए, अभी एलिस के पास है येल्लो कलर, बॉब के पास है येल्लो कलर और बीच में पिताजी है, उनको भी पता चल गया है येल्लो कलर, ठीक है। ये हो गया मेरा पब्लिक की का, तो अभी तक मेरा सिक्योरिटी का कोई भी एस्पेक्ट इसमें नहीं लगा। सेकेंड चीज क्या है, अभी एलिस को इसलिए एल्गोरिदम डिफी हेलमैन एल्गोरिदम ये बोलता है कि आपको ये येल्लो की के साथ एक और सीक्रेट की तो लेना ही है, ठीक है। तो एलिस ने क्या किया, रेड कलर का सीक्रेट की चूज किया। बॉब ने क्या किया, एक्वा कलर का सीक्रेट की चूज किया। पहले कॉमन की, सेकंड सीक्रेट की जो सिर्फ एलिस को पता है कि एलिस का रेड है की है, बॉब को पता है बॉब का एक्वा की है, ठीक है। थर्ड स्टेप डिफी हेलमैन ये बोलता है कि जो पहला की है येल्लो प्लस जो सीक्रेट की लिया है आपने जो रेड है एलिस के केस में, जो सिर्फ एलिस को पता है, इन दोनों को मिक्स कीजिए। रेड और येल्लो को मिक्स करने के बाद एलिस के पास एक कलर आ जाता है ऑरेंज। येल्लो और एक्वा बॉब मिक्स करने के बाद बॉब के पास एक कलर आ जाता है स्काई ब्लू। ये हो गया तीसरा स्टेप एल्गोरिथम का। उसके बाद डिफी हेलमैन ने क्या बोला है कि जो की मिक्सचर के बाद एलिस के पास आता है, एलिस उसको बॉब के पास भेजेगा। बॉब के पास जो की आता है मिक्सचर के बाद लाइट ब्लू जो आया है, वो बॉब किधर भेजेगा, एलिस को भेजेगा। तो वो बोलते हैं कि अपने कीज को एक्सचेंज करो इस केस में, ठीक है। की हो गया एक्सचेंज यहाँ पे, ये ऑरेंज जो एलिस के पास था ये अभी गया बॉब के पास, बॉब का जो लाइट ब्लू था वो गया किसके पास, एलिस के पास। उसके बाद फोर्थ स्टेप में डिफी हेलमैन का ये कहना है कि जो एक्सचेंज किया हुआ की आपको मिला है ना, उस की को आप अपने जो प्राइवेट की है जो सिर्फ आपको पता है, दैट इज सिर्फ एलिस को पता है कि उसका प्राइवेट की लाल कलर का है, सिर्फ बॉब को पता है उसका प्राइवेट की एक्वा कलर का है। तो ये जो एक्सचेंज किया भी एलिस के पास आया है जो है लाइट ब्लू, उसको मिक्स कीजिए अपने प्राइवेट की लाल के साथ, और जो कलर आता है वो सीक्रेट कलर रहेगा, वही आपका की एक्सचेंज का की रहेगा। तो लाइट ब्लू प्लस रेड को मिक्स किया तो इनके पास आ गया है ब्राउन कलर। सेम स्टेप, जो एलिस ने की भेजा है बॉब को, उस की को आप एलिस उस की को बॉब को अपने प्राइवेट की के साथ मिक्स करना है। तो बॉब का प्राइवेट की कौन सा था, एक्वा था, तो ऑरेंज प्लस एक्वा मिक्स हो गया तो ब्राउन हो गया। तो आप देखोगे कि दोनों केस में कॉमन की है, दोनों केस में कॉमन की है। अब हो गई सिंपल सी बात, एलिस ने मैसेज भेजा लव या अरुण ने मैसेज भेजा लव सोनिया के पास,
कौन सा है, सोने के पास भी ग्राउन है और उनके पास भी ग्राउन है, दोनों के पास कॉमन की है जो सोने के पापा को कभी भी पता नहीं चलेगा। तो ये है डीपी हेलमन की एक्सचेंज। वेरी सिंपली पहले केस में बोलता हूँ, एक पब्लिक की लो और अपने सामने वाले अपोनेंट को भेजो, ठीक है। तो अपोनेंट और तुम्हारे पास दोनों के पास सेम की रहेगा, ठीक है, जो बाकी सबको पब्लिक नेटवर्क में, फॉर एग्जाम्पल इस केस में एलिस के पापा को भी पता है। उसके बाद एक प्राइवेट की एलिस अपने लिए लेगा, एक प्राइवेट की बॉब अपने लिए लेगा, जो सिर्फ बॉब को पता है और एलिस को सिर्फ पता है अपना की। पहले वाले पब्लिक की को इस प्राइवेट की के साथ मिक्स करना है, जो कलर आता है, जो की आता है, उसको अपने सामने वाले अपोनेंट को भेजना है। तो इस केस में ये जो आया है ऑरेंज कलर एलिस का, ये बॉब के पास गया है, और लाइट ब्लू कलर जो बॉब का आया है वो एलिस के पास गया। फिर उस की को अपने वाले प्राइवेट की के साथ मिक्स करो, तो जो कलर आता है ये तुम्हारा कॉमन की है। उस की को अपने वाले प्राइवेट की के साथ मिक्स करो, तो जो कलर आता है वो तुम्हारा, और देखना किसी भी केस में ये दोनों कलर कॉमन ही आएगा। ये है डीपी हेलमन की एक्सचेंज, जो बहुत ही शानदार एल्गोरिथम है एनक्रिप्शन के लिए, और एनक्रिप्शन में भी की एक्सचेंज के लिए। अब ध्यान से इस एल्गोरिथम को थोड़ा हम मैथ्स के टर्म्स में समझेंगे। मैथ्स के टर्म्स में डीपी हेलमन का ये कहना है कि यहाँ जो येलो कलर है ना, येलो कलर की जगह पे आप दो कीज लोगे, फॉर एग्जाम्पल एलिस यहाँ पे दो की लेगा, पहला है पी और दूसरा है जी, ठीक है। पी मेरा पब्लिक की है जिसको वो प्राइम नंबर भी, कोई भी प्राइम नंबर आप लो, बड़े से बड़ा प्राइम नंबर रहा तो और अच्छा है। इस केस में हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए 23 लेते हैं, ठीक है। तो एलिस ने पहला एक की लिया पी, इसी को प्राइम नंबर 23। जी जो है वो है जनरेटर की है, जनरेटर पी है पब्लिक की, जी है जनरेटर की। अब जनरेटर की का ये रूल होना चाहिए कि जनरेटर की शुड बी अ प्रिमिटिव रूट ऑफ पी। अब इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है 5 शुड बी अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 23। उसका मतलब है, फॉर मैं सिंपल टर्म्स में लेता हूँ, 3 इज अ प्रिमिटिव रूट फॉर 7, ठीक है। 3 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 7 का मतलब ये होता है कि मैं अगर 3 रेज़ टू n करता हूं मॉड 7, तो मेरे को जो रिमाइंडर आने चाहिए वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के फॉर्म्स में आने चाहिए, वेयर माई n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3:0 मॉड 7, 3:1 मॉड 7, 3:2 मॉड 7, 3:3 मॉड 7, 3:4 मॉड 7, 3:5 मॉड 7, 3:6 मॉड 7। अब ये जो 7 रिमाइंडर्स है ना, ये 7 रिमाइंडर्स मेरे को आने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी टर्म में आने चाहिए। दैट इज मेरे को सीक्वेंस ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को रिमाइंडर्स यही आने चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके आगे कोई रिमाइंडर मेरे को नहीं आएगा, तभी मैं बोल सकता हूँ कि 3 इज अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ 7। इन द सेम वे डीपी हेलमन का ये कहना है कि अगर आपने पब्लिक की लिया है 23 फॉर एग्जाम्पल अपने केस में, तो जी जो जनरेटर कोड या जनरेटर की आपका ऐसा होना चाहिए जो प्रिमिटिव रूट हो उस नंबर का। तो इस केस में 5 प्रिमिटिव रूट है 23 का, ठीक है। सेकेंड, अब ये तो ये एलिस ने दिया है 23 और 5, एलिस क्या करेगा, इसको सेंड करेगा बॉब को। तो एलिस के पास भी पी इज इक्वल टू 23 और जी इज इक्वल टू 5 है, बॉब के पास भी पी इज इक्वल टू 23 एंड जी इज इक्वल टू 5। बीच में अगर एलिस के पापा यहाँ बैठे तो उनको भी पता है कि पी इज इक्वल टू 23 एंड जी इज इक्वल टू 5। सेकेंड, अभी मिक्सचर की बात, मिक्सचर के लिए डीपी हेलमन ने ये बोला है कि एलिस अपना खुद का एक सीक्रेट की लेगा, बॉब अपना एक खुद का सीक्रेट की लेगा। एलिस को उसका खुद का सीक्रेट की सिर्फ पता रहेगा और किसी को पता नहीं है, बॉब को उसका सीक्रेट की पता रहेगा और किसी को पता नहीं। तो इस केस में हम एलिस का सीक्रेट की लेते हैं ए इज इक्वल टू 6, बॉब का सीक्रेट की बी इज इक्वल टू 15 लेते हैं। फिर मिक्सचर के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, जी जो मेरा जनरेटर की है मॉड जनरेटर की रेश टू ए मॉड पी,
और एलिस के लिए बॉब के लिए क्या रहेगा, जनरेटर की रेस टू बी मॉड थ्री। तो मेरा ए यहाँ पे 6 है, बी मेरा 15 है, तो मेरा मिक्सचर का क्या नंबर आना चाहिए ध्यान से देखिए। एलिस चूज करता है इज इक्वल टू 6, तो मेरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मिक्सचर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जी जो मेरा 5 है, 5 रेस टू 6 मॉड 23, जो मेरे केस में मेरे को 8 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या आ रहा है, 8 आ रहा है इस केस में, ठीक है। सेम केस में बॉब को क्या करना है, बॉब का बी इज इक्वल टू 15, तो 5 रेस टू 15 मॉड 23 19 आ रहा है। ध्यान देना अब ये की एक्सचेंज की बात हो रहा है, इस की को जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ये की अब मेरा एक्सचेंज होगा, ठीक है। अब 8 जो आया है एलिस बॉब को भेजेगा और 19 जो आया है बॉब एलिस को भेजेगा। ये हो गया मेरा की एक्सचेंज। अब एलिस के पास नंबर है 19, बॉब के पास नंबर है 8, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला अभी लास्ट की के लिए जो फॉर्मूला है या जो कॉमन की है उसके लिए फॉर्मूला है, एलिस को जो नंबर बॉब से मिला वो रेस टू एलिस का सीक्रेट की जो है, एलिस का सीक्रेट की क्या है, एलिस का सीक्रेट की है 6। तो 19 रेस टू 6 मॉड 23 इज इक्वल टू 2। बॉब का सीक्रेट की है 15 और एलिस ने बॉब को जो कोड भेजा है वो है 8, जो मैंने यहाँ पे रेड पे मार्क किया है। तो 8 रेस टू 15 मॉड 23 2, तो ये दोनों मेरे कौन से है, कॉमन सीक्रेट की रहेगा। तो इधर एलिस के पास भी कॉमन सीक्रेट की रहेगा 2, बॉब के पास भी यहाँ पे कॉमन सीक्रेट की रहेगा 2। अब अगर एलिस लव मैसेज भेजेगा तो एलिस लव मैसेज भेजेगा बॉब को, एलिस के पास भी सीक्रेट की है 2, बॉब उसको डिसाइफर करेगा सीक्रेट की 2 लगा के, ठीक है दोनों के पास। अब पापा को कौन से कलर, पापा को कौन से की मिले है देखिए, पापा को पहला वाला की मिला है ये की जो ब्लू में मार्क है वो पापा को मिला है, ठीक है, ये दोनों सीक्रेट की तो नहीं मिला है। उसके बाद ये मिला है और ये मिला है, पब्लिक है, तो 8 भी मिला है 19 भी मिला है, तो पापा को सीक्रेट कीज नहीं मिले है, बाकी तीनों की मिले है, और लास्ट वाला कॉमन सीक्रेट की भी नहीं मिला है। तो कितना भी करो और पब्लिक नेटवर्क में इसको भेजो, ये की जो कॉमन सीक्रेट की पे आना बहुत मुश्किल होता है, जब तक आपको बॉब का सीक्रेट की नहीं पता है, आपको एलिस का सीक्रेट की नहीं पता है। तो ये हो गया मेरा सिंपल डिक्लेयरमेंट की एक्सचेंज। एनी टर्म्स में आप देखना तो लास्ट का जो कॉमन सीक्रेट की है वो हमेशा दोनों के लिए सेम ही आएगा, अगर आप ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।